हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस तरीके से पैटर्न लेके आई हूँ जो इस तरीके से पत्ती बनेगी। देखिए, आप इस वीडियो को पूरी देखना फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तब ये समझ में आएगा। चलिए अब इस पत्ती को बनाना दिखाती हूँ। 28 फंदे मैंने इसमें डाल दिए। अब इस फंदे को स्लिप करूँगी, 13 फंदे मैं ऐसे बनाऊँगी। तेर फंदे मैंने बना दिए। दो फंदे मैं ऐसे धागा पीछे करके सीधा बनाऊंगी, ये देखिए, और 13 फंदे फिर मैं उल्टे बना। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। बैक रो इसकी इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लूंगी, 12 फंदे में ये बना इधर से सीधे और फ्रंट साइड से उल्टे बनेंगे। इसी तरीके से मैं 4 रो बना लेती हूँ, फिर देखा। ये जो दो फंदे हैं इनको इधर से उल्टे बनाना है, इधर से सीधे बनेंगे। देखिए इस तरीके से 4-5 रो बना दी मैंने, और यहाँ पर 13 फंदे हैं और ये 13, ये दो फंदे सीधे हैं। अब इसमें मैं इन फंदों को ऐसे उल्टा बनाऊंगी। ये 12 फंदे मैंने बना दी। इस तरीके से धागा पीछे कर लिया, एक फंदा बनाया, फिर उसके बाद धागा आगे, फिर ये दूसरा फंदा है, 3 फंदे बन गए और ये 5 फंदे बन गए। अब ये दो फंदे मैं ऐसे सीधे बनाऊँ, फिर ये पहले फंदे में मैं जो 13 फंदे हैं इसका पहले फंदे में इस तरीके से ये 3 फंदे और ये 5 फंदे, 3 फंदे इसमें बनाने से 5 फंदे बन जाएंगे, और फंदे में ऐसे उल्टे बनाओ। इस तरीके से जो दो फंदे बीच के मैंने उल्टे बनाए थे उनको मैं उल्टे ही बनाऊंगी, और जो ये 5 फंदे बनाए इनको भी मैं उल्टे बनाऊँ, एक फंदे के 5 फंदे जो बनाए थे। अब ये 12 फंदे मैं ऐसे सीधे बनाऊँ। अब फ्रंट रो इसकी 12 फंदों को ऐसे बना लूंगी। दस फंदे बना लिए मैंने, ये दो फंदों को 2 का 1 करूंगी, फिर ये जो फंदे हैं ये 5 इनको इस तरीके से बनाऊंगी। दो फंदे बना लिए, तीसरे फंदे में ऐसे जाली दूंगी, फिर धागा आगे, फिर दो फंदे ऐसे सीधे बनाऊं, और यहाँ पर मैं एक फंदा इस तरीके से बढ़ाऊंगी, धागा आगे, इस फंदे को मैं उल्टा बनाऊं। यहाँ पर फंदे, एक फंदा कम हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, दो फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर इस फंदे को ये पहले फंदे को मैं ऐसे उल्टा बना लो, धागा आगे, इस तरीके से उल्टा बना लो।
कि जो पांच फंदे हैं इनमें मैं दो फंदे बनाए, तीसरे में ऐसे जाली दी, फिर जाली दी ऐसे और इस फंदे को बना लिया और ये दो फंदों को दो का एक करूं और फंदे ऐसे उल्टे बनाओ। बैक साइड से इसकी जो फंदे सीधे हैं उसमें सीधा बनाऊंगी, जो फंदे उल्टे हैं उसमें उल्टा बनाऊं। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बना दिए मैंने, जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टे बनाऊंगी जिसमें मैंने ये जाली दी थी, पांच फंदों में जो जाली दी थी। अब देखिए इधर मेरे नौ फंदे बचे, ये दो फंदों को मैं इस तरीके से दो का एक करूंगी, फिर जो ये फंदा है इसको मैं बनाऊंगी ऐसे सीधा। तीन फंदे सीधे बना लिए, फिर धागा इस तरफ बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ इसमें जाली दे दी, फिर दो फंदे ऐसे बना लूंगी। जो ये वाला फंदा है एक उल्टा पहले बनाया था मैंने, एक अब बनाऊंगी धागा अपनी तरफ, इस तरीके से ये फंदा बढ़ जाएगा। अब ये दो फंदे बन गए, जो दो हैं बीच के सीधे फंदे और इस फंदे को भी, अब इस फंदे को यहाँ से पहले उल्टा बनाऊंगी, फिर यहाँ से उठाऊंगी इसको इस तरीके से। दो फंदे इस तरफ भी बन गए, दो इस तरफ, धागा पीछे, दो फंदे ऐसे उल्टे बना लूंगी, तीन फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ ऐसे, ये जाली दे दी मैं दो बार, दो फंदे फिर इस तरीके से बना लूँ, फिर धागा अपनी तरफ, ये दो फंदों को दो का एक करूँ, नौ फंदे मैं ऐसे बना लूँ। ये फ्रंट तरफ है, एक पत्ता ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, बीच में उल्टे फंदे बन रहे। अब इस रो को बना लेती हूँ, जहां पर सीधे फंदे हैं सीधे बनाऊंगी ये, जहां पर उल्टे हैं वहां पर उल्टे बनाऊंगी। जो बीच में दो फंदे बनाए थे मैंने ये उल्टे बन गए, और ये जो बीच में जाली दी थी वो फंदे ये बन गए। अब ये जो दो उल्टे फंदे हैं इनको धागा पीछे करके इस तरफ से सीधा बनाना, इस तरफ से उल्टा, दो फंदे दो ही, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे बनाऊंगी, फिर दो सीधे बनाऊंगी, फिर ये फंदे उल्टे बनाऊं। ये नौ फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर जो नौ फंदे बचे उनको मैं सीधा बनाऊँ, तो इसी तरीके से मैं एक दो रो बना लेती हूँ। देखिए एक बार इसमें और दिखाती हूँ फ्रंट रो। सात सात फंदे बना दिए इसमें, आठ फंदे, और ये दो फंदों को ये दो का एक करूं, फिर धागा पीछे, इन फंदों को ये सीधा बनाऊं, यहां पर मैं जाली दूंगी और यहां पर भी
तीन फंदे सीधे बनाऊंगी, यहाँ से फंदा उठाऊंगी जो, उसको मैं इस तरीके से अपनी तरफ धागा करके ऐसे बढ़ा दूँ। ये बीच में उल्टे फंदे भी तीन हो गए और ये दो फंदे सीधे हो गए, और यहाँ पर जो फंदे दो हैं उल्टे, एक और बढ़ाऊंगी यहाँ से इस तरीके से, तीन ये भी हो, जाली वाले फंदे इनको भी बना लूंगी इसी तरह। अब ये दो फंदे, दो का एक करूंगी, ये देखिए इस रो को भी बना दिया। अब इसमें क्या करूंगी मैं, जो ये सात आठ फंदे हैं, ये फंदा जब तक यहाँ पर एक फंदा नहीं बचेगा तब तक मैं इसको दो फंदों का एक यहाँ पर करूंगी और एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ते जाएगा। जो बीच वाला है दो फंदों के अगल बगल, यहाँ पर एक फंदा इधर एक फंदा इधर, हर फ्रंट रो में बढ़ते जाएगा और ये जालियाँ इस तरीके से दिखेगी। देखिए अभी दो का एक कर दी, ये सात फंदे बचे, फिर इस फंदे इस धागे को पलट के इस फंदे को इसमें निकाल लूंगी, इस फंदे को बनाऊंगी और इस फंदे को इसके ऊपर ये इस तरीके से एक बना लूंगी, और फंदे बना लूंगी ऐसे सीधे। अब इसमें जाली नहीं लूंगी, ये जो दो लास्ट के फंदे हैं इनको ऐसे सीधा करके ये दो का एक कर लेना है। जो ये फंदा यहाँ पर बढ़ाना है इसको ऐसे धागा अपनी तरफ ऐसे एक फंदा बढ़ जाए, दो फंदे ये सीधे और फंदे ये उल्टे बनाने हैं, और इस फंदे को भी ऐसे बना लूंगी। इस फंदे को स्लिप कर लूंगी, इस फंदे को बना लूंगी, ये देखिए यहाँ पर, फिर इसके ऊपर इसको ऐसे और फंदे ये सीधे बनाऊंगी। जो बीच में जाली है वो अब मैं जाली नहीं दूंगी। ये लास्ट के दो फंदे भी मैं दो का एक करूंगी और यहाँ पर भी मैं दो फंदों का एक करूंगी। ये दो फंदों का एक कर लिया, और फंदे ये उल्टे बनाऊंगी। सात फंदे उल्टे बना दिए मैंने, सात इस तरफ। तो बैक रो बनाऊंगी इसकी, जिसमें उल्टे फंदे हैं उल्टे बनाऊंगी, जिसमें सीधे हैं सीधे बनाऊंगी। देखिए इस तरीके का पत्ता बन गया ये। जब यहाँ पर मैंने फंदे कम किए, जाली नहीं बनाई, यहाँ पर आठ फंदे थे, अब यहाँ पर पांच फंदे बच गए, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक फंदा बचेगा और यहाँ पर नौ फंदे बन जाएंगे उल्टे, जो एक फंदे का नौ फंदा बनेगा, और यहाँ पर भी नौ, और इसमें पत्ते में एक फंदा बचेगा। ये अभी सात फंदे हैं इसमें और इसमें एक बचेगा यहाँ। इस तरीके से फंदे कम कर रही हूँ मैं, दो बना दी, तीन फंदे बचे, ये दो का एक करूँगी,
इस धागे को पीछे करके इसको स्लिप कर लूँगी, इस फंदे को बनाऊँगी, इसको फिर इसके ऊपर दो फंदे का एक कर लूँगी। और ये चार फंदे बचे, पांचवा फंदा ये दो का एक करूँ। तो यहाँ पर ये फंदा बना है, इसको मैं उल्टा बनाऊँगी, एक फंदा बढ़ा लूँगी। ये बन गए, ये दो फंदे सीधे बनाऊँ। एक फंदा यहाँ पर भी बढ़ाऊंगी मैं इस तरीके से। और फिर इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लूंगी, इस फंदे को बना लूंगी, इसको इसके ऊपर इस तरीके से दो का एक करूंगी और फंदे ऐसे बनाऊंगी। चार फंदे बना दिए मैंने, पांचों फंदे को ये दो का एक कर लेना। फिर यहाँ पर ये दो का एक करना है। तीन फंदे फिर बना लूँगी, बैक रो इसकी ऐसे ही बनाऊँगी जिसमें ये उल्टा बना है उल्टा बनाऊँगी, जिसमें सीधा बना है सीधा। इस तरीके से ये पत्तियाँ बनेगी। ये देखिए यहाँ पर ये चार फंदे बचे, जो इसमें से दो फंदों का एक करूँगी धागा पीछे, इसको स्लिप कर लूँगी, इसको बना लूँगी, इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। अब ये एक और ये जो दूसरा फंदा है इसको दो का एक करूँ। ये तीन फंदे बचे, यहाँ पर मैं एक फंदा इस तरीके से उठा लूँ। तो ये सभी फंदों को उल्टा बनाऊँगी। दो फंदे सीधे बनाऊँ और ये फंदे उल्टे बनाऊँगी। यहाँ पर फंदा एक बढ़ जाए। इसको इसके ऊपर से ऐसे दो का ही हो जाए और ये दो फंदों को ऐसे दो बना लूँगी। यहाँ पर भी मैं दो फंदों को एक करूँगी। अब यहाँ बचे तीन फंदे, बैक रो में ना फंदे बढ़ाऊँगी ना घटाऊँगी, ऐसे ही बनाओ। अब देखिए यहाँ पर ये तीन फंदे बचे, इसको स्लिप कर लूँगी, ये दो फंदों को एक करूँगी, फिर धागा पीछे, एक फंदे को स्लिप कर लूँगी, ये दो फंदों को एक करूँगी, फिर इसके ऊपर इस फंदे को ऐसे, ये देखिए तीन फंदों का एक फंदा बना। और यहाँ पर भी जो उल्टे फंदे थे यहाँ से ये एक बचा, एक स्लिप किया हुआ एक उल्टा बचा। फिर यहाँ पर जो फंदा है इसको मैं एक फंदा बढ़ा दूँगी इस तरीके से, धागा अपनी तरफ ऐसे इसको बना लूँगी और फंदे ये उल्टे बनाऊँ। ये फंदे नौ फंदे बोल रही थी मैं, एक फंदा इसमें बढ़ गया, दस फंदे बढ़ गए इसमें और इस वाले में भी दस फंदे बढ़ जाएंगे। धागा अपनी तरफ पीछे इस फंदे को और ये दो फंदे को दो का एक कर लेना है, इसको इसके ऊपर ऐसे एक ही, दो फंदे यहाँ पर कम हो गए, ये दो फंदों को एक कर लूँगी, फिर इसको भी उल्टा बना लूँगी। अब इसकी बैक रो बना लेती हूँ, ये सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊँगी बैक रो में, इस फंदे को सीधा बनाऊँगी, जो पीछे के दो फंदे हैं वो सीधे बनेंगे और ये सभी फंदे ऐसे उल्टे बन जाएंगे। जो ये एक फंदा बना पत्ते का ये भी उल्टा बनेगा और ये भी,
बैक साइड से सीधे बनेंगे, फ्रंट साइड से उल्टे बनेंगे। दो फंदे उल्टे बना लें। अब यहाँ से मैं फ्रंट रो में दूसरा पत्ता बनाऊंगी। दूसरा पत्ता कैसे बनाऊंगी वो चीज देखना आप। इस तरीके से पत्ता कंप्लीट हो गया, देख ली। ये कलर में थोड़ा कम दिख रहा होगा इस धागे में, यहाँ तक मैंने जाली दी और यहाँ फिर फंदे कम किए इधर से, और यहाँ पर जो जाली बंद की मैंने देना, यहाँ पर थे 8 फंदे और यहाँ पर भी 8 फंदे। अब बचा एक फंदा इसका, एक इसका, एक इसका, और बीच में जो उल्टे फंदे हैं वो बच गए 10। 10 फंदे बचे, 11, 12, 13। 10 फंदे ये हैं, 3 फंदे ये साइड वाले, 13 फंदे फिर बने, फिर ये 2 फंदे उल्टे बने। अब इसमें क्या करूँगी मैं, इन फंदों को मैं पूरा उल्टा बनाऊँगी। ये 12 फंदे मैंने उल्टे बना दिए, फिर धागा पीछे, इस फंदे में ऐसे एक बार, और ये 3 फंदे बन गए, फिर धागा आगे, ये 5 फंदे बने। जैसे मैंने यहाँ से पैटर्न शुरू किया था वैसे ही ये बना। अब ये 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, दूसरा पत्ता मैं यहाँ से शुरू करूँगी, एक फंदा और ये एक के, ये 3 फंदे बन गए। अब यहाँ से धागा आगे, फिर ये 5 फंदे बन गए, ये देखिए। अब ये सभी फंदों को मैं उल्टे बना लूँ। देखिए दूसरा पत्ता कैसे इसमें बनाया जाता वो चीज़ भी मैंने फर्स्ट में दिखा दिया। अब जैसे मैंने ये पत्ता बनाया ऐसे ही मैं इसको बना लेती। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पत्ते कंप्लीट कर दिए। अगर आपको इस तरीके से पैटर्न बनाना पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।